Assalamualaikum and welcome to Alka Pakistan. And our second season has just started. This is the first show. 27वां episode है, लेकिन season जो है ये दूसरा, और अभी हम इसको फिलहाल इसी format पे जारी रखते हैं. और पीछे पिछले सारे season में हमने discuss किया सारे चीजें. अभी तक हम नहीं पहुंचे, हमें अभी और 4-5 शो करेंगे ताकि आपको पूरे जितने भी सब्जेक्ट हैं वो सारा सही तरीके से डिस्कस करें. और आप लोगों का जो रद्द अमल है इस शो को, तो वो बहुत पॉजिटिव है, जिस वजह से हम लोग और भी खुश फील कर रहे हैं. आज के सेकंड सीजन स्टार्ट है विदाउट एनी डिले, और आज हम बैठे हैं और यहाँ पे इन सब शो को सी नेक्स्ट सेकंड सीजन ऑफ पाकिस्तान. और अल्लाह इस रेवोल्यूशन को, हम रहें या ना रहें, अल्लाह इस रेवोल्यूशन को जारी और सारी रखे. और हमारी यही कोशिश हो रही है कौम को बेदार करने में और कौम को अपना कम के बादलों से निकालने में हमारा थोड़ा सा भी, अगर 5% भी अगर हम अपने हाथ में हमारा हो तो बहुत फर्क पड़ेगा. अली यही बात, देखो हम लोगों को अपनी तरफ तो नहीं बता, हम तो लोगों को एक आइडियोलॉजी की तरफ, लोगों को एजेंडे की तरफ, एक मिशन की विजन की तरफ. और चाहे वो इस प्लेटफॉर्म पे हो या किसी और प्लेटफॉर्म पे, द मिशन की फोर्स से लेकिन अल्लाह का शुक्र और करम है कि द फर्स्ट सीजन दैट वी कंक्लूडेड अमेजिंग रिस्पांस, लिटरली माइंड बॉगलिंग लोगों. और अब अल्हम्दुलिल्लाह ये स्टार्टिंग ऑफ विद द सेकंड वन. लेकिन रमोज बेखुदी एक ऐसा डॉक्ट्रिन है कि जिसको हम डेफिनेटली चाहते हैं कि कंक्लूड करें. यानी इकबाल के रमोज बेखुदी की विजडम, आप जानते हैं कि इट टॉक्स अबाउट द कलेक्टिव रिवाइवल ऑफ द नेशन. कौम को बेदार करने के लिए या कौम के रूज और जवाल के लिए क्या क्या चीजों की जरूरत होती है, उन तमाम एनालिसिस का नाम रमोज बेखुदी है, इकबाल की जो ये किताब लिखी है. पाकिस्तान से ये इसलिए रिलेटेड हो जाती है कि आज हमारे पाकिस्तानी में एक मायूसी की कैफियत फैलाई जा रही है, डिस इन्फॉर्मेशन और झूठ कि नाउज़ुबिल्लाह ये मुल्क फेल हो गया, टूटने वाला है, तबाह हो जाएगा, कुछ नहीं होगा इसमें. उम्मत मुस्लिमा की हालत दुनिया में अगर देखिए तो मायूसी ऐसी लगती है कि गाजा के ऊपर इसराइली इस ब्रूथलेसली बॉम्बिंग करते हैं, उम्मत मुस्लिमा के तमाम हुक्मरान खामोशी से बैठ कर तमाचा देखते हैं. बल्कि मिस्र का तो हाल यह था कि वो इसराइलियों की मदद कर रहे थे प्रैक्टिकली, कि सप्लाई द फूड सप्लाई द मेडिकल सप्लाई भी डिलीवर नहीं करने दे रहे थे गाजा में उस वक्त. उम्मत मुस्लिमा की जो हालत जाहिर में इंसान देखे तो इंसान मायूसी में चला जाता. तो ये एस्पेक्ट इकबाल ने हैरतअंगेज तौर पर अपने चंद शेरों में उम्मत मुस्लिमा और अल्लाह ताला के ताल्लुक को डिस्कस किया है. और हम ये चाहेंगे कि हम समाज के प्रोग्राम में इसको तफसील से डिस्कस करें. क्योंकि देखिए, एक दफा आप अल्लाह की विजडम को समझ जाते हैं, वंस यू अंडरस्टैंड कि अल्लाह किस विजडम पर ऑपरेट कर रहा है, तो उस विजडम के तहत तो दुनिया के मामला समझना भी आसान हो जाता है. वो जो इकबाल कहते हैं, एक वक्त में बहुत मायूस था कि पूरी उम्मत मुस्लिमा तबाह बर्बाद उसकी हालत में देख रहा हूं, खिलाफत टूट चुकी है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद तो टुकड़े टुकड़े कर दिया गया उम्मत मुस्लिमा को. तो मैंने जब किसी अल्लाह के वली से, अल्लाह के बुजुर्ग से, बंदे से पूछा, तो मौलाना जलालुद्दीन रूमी की जबान में उन्होंने जवाब दिया कि क्या तुम इस बात को नहीं जानते हो कि जब नई इमारत तामीर करनी हो तो पुरानी इमारत की जड़ें भी खोद दी जाती. तकरीब जो नजर आ रही है तुम्हें, जो हर चीज तोड़ना फोड़ना और तबाही और बर्बादी तुम्हें नजर आ रही है, उसका मकसद तामीर है. ये मकसद है कि सारे मलबे को हटा के एक शानदार इमारत, नया काबा, नया हरम तामीर किया जाएगा. वो तो खाने काबा के बारे में भी मुसलमान, जब खाने काबा की इमारत बसीदा हो जाती है, खुद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी खाने काबा की इमारत बसीदा हुई तो गिरा के नई इमारत बनाई गई. तो वो खाने काबा का तोड़ना कोई बेहरमती तो नहीं थी खाने काबा की. तामीर किया जाएगा. इसी तरह इल्लामा इकबाल जो उम्मत मुस्लिमा के राज खोलते हैं कि तुम अगर जिस उम्मत का, जिस मिल्लत का हम हिस्सा हैं, अगर आप ये रियलाइज कर लो कि अल्लाह ताला का कितना बड़ा स्ट्रेटेजिक स्टेक इन्वॉल्व है इस उम्मत और मिल्लत के साथ, अल्लाह ताला का मफाद कितना वाबस्ता है. क्योंकि अगर ये मिल्लत खत्म हो गई फिर तो ना अल्लाह का कोई नाम लेने वाला होगा, ना रसूल का नाम लेने वाला होगा, ना हुजूर की शरीयत पे कोई चलने वाला होगा. अल्लाह कैसे खत्म कर देगा इस मिल्लत को, अल्लाह कैसे खत्म कर देगा इस उम्मत को. ये घबराने की कोई बात नहीं, हालात आपको जाहिरन खराब नजर आते हैं, एक हिस्से में नुकसान है तो दूसरे हिस्से में अल्लाह रूज भी दे रहा होता है उसको. इसीलिए वो हिजरत का तसव्वुर भी रखा गया है. अगर अल्लाह की जमीन वसी है, इन्ना अर्दुल्लाह वासिया की बात अल्लाह कुरान में करता है, अल्लाह की जमीन खुली वसी है, तुम्हें यहां प्रॉब्लम है तो वहां चले जाओ, तो वहां से प्रॉब्लम, तुम किसी से हिजरत कर जाओ.
कि मुसलमान किसी एक मुल्क में महदूद नहीं है, उसके लिए आइडियोलॉजी सेक्रेड है, उसके लिए मुकद्दस उसका बिलीफ है, उसके लिए मुकद्दस उन वो वैल्यूज हैं जो अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर आए। ये रियासत से मोहब्बत की जाती है उस वक्त जब वो रियासत एक निशानी होती है अल्लाह के रसूल की और दीन की। ठीक, वो मोहब्बत करना रियासत से नेशनलिज्म नहीं है। जब हम पाकिस्तान एक इश्क और एक जुनून की बात करते हैं तो हम उसी तरह पाकिस्तान से प्यार करते हैं जैसे मदीने मुनव्वरा से प्यार करते हैं। सही, कि वो खित्ता है जमीन एक निशानी है मुसलमान उम्मत और मिल्लत की। मगर जब मदीने मुनव्वरा उस जमाने में मुसलमानों ने मुस्तहकम कर लिया, मजबूत कर लिया, उसका दिफा कर लिया, फिर उसको फैलाना शुरू किया। जब फैलाने के नतीजे में मरकज तो चाहिए होता है आपको, सेंटर ऑफ ग्रेविटी तो चाहिए, फिर वो मदीने की रियासत फैलना शुरू हुई जो एक तरफ चीन पहुंची और एक तरफ अंदलुसिया पहुंची और यूरोप से लेकर नीचे अफ्रीका तक आई। दुनिया ने उससे बड़ी सिविलाइजेशन नहीं देखी, लेकिन उसका मरकज क्या था? मदीना मुनव्वरा। आज के दौर में जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है पूरी उम्मत मुस्लिमा की, मक्का और मदीना की रूहानी हैसियत अपनी जगह, लेकिन जो एडमिनिस्ट्रेटिव, पॉलिटिकल और मिलिट्री सेंटर ऑफ ग्रेविटी उम्मत मुस्लिमा की है, अब वो पाकिस्तान में आ गई। माशाल्लाह। और इसीलिए अल्लाह के फजल से जो हालात आप देखते हैं, अगर पाकिस्तान अल्लाह ना करे पाकिस्तान को आज नुकसान पहुंचता है या पाकिस्तान आज खत्म हो जाता है, यकीन करो अली, हम आपको साफ बता रहे हैं इस अल्लाह की विजडम को सामने रखते हुए कि ये वो वाकया 313 मुजाहिदीन वाला हो जाएगा कि हुजूर ने जब जंगे बदर पर तशरीफ लेके गए उस वक्त हुजूर ने अल्लाह को मुखातिब करके कहा कि या अल्लाह अगर आज ये 313 कट गए तो फिर आपका कयामत तक नाम लेने वाला कोई नहीं है। अल्लाह का स्ट्रेटेजिक स्टेक था जो उन 313 में डिपेंड कर रहा था। लेकिन यहाँ पाकिस्तान में तो वो वाला मसला हो गया ना कि यहाँ पे अल्लाह का नाम लेने वाले कितने लोग हैं, 313 भी बचे हैं कि नहीं? नहीं, अल्लाह का बहुत फजल है, बहुत ज्यादा है, इससे बहुत ज्यादा है, लाखों में, करोड़ों में, ऐसी बात नहीं है। अभी कल हम एक शहीद से मिले माशाल्लाह, लेफ्टिनेंट फैज सुल्तान, वो ट्राइबल एरियाज में शहीद हुआ इन दहशतगर्दों के खिलाफ लड़ते हुए। उसकी मैं डायरी पढ़ रहा था, यानी वुड यू बिलीव अली, मैं उसकी डायरी पढ़ते हुए रो रहा था। जिस तरह वो बच्चा शहादत की तड़प कर रहा था और अल्लाह के रसूल से मिलने की ख्वाहिश कर रहा था और जिस तरह उसकी जिंदगी का मकसद पाकिस्तान का दिफा करना था, यंग लेफ्टिनेंट, हमारे यहां लाखों सिपाही इस तरह फैले हुए हैं, जब तक ऐसे बच्चे हमारे यहां जिंदा हैं, हमारे वो तमाम शोहदा जिन्होंने सवात में और वाना में और ट्राइबल एरियाज में अपनी जानें दी हैं, ये इस वक्त आज के हालात में उन शोहदा की तरह हैं जो बदर में और ओहद में और खंदक में शहीद हुए हैं। देखिए, फतह मक्का उन्होंने नहीं देखा था, फतेह मक्का तो 10 हिजरी में बहुत बाद में हुआ है, लेकिन उस फतेह मक्का को करते करते अपने खून से जो बुनियादी बनाते चले गए, तामीर करते गए इस्लामी मुमलिकत की, इस्लामी सरहद की, जो 14 शहीद जंगे बदर के और ओहद के 70 शहदा और उसके बाद शहीद जो होते गए, आला तरीन शहदा है आज के दौर के हमारे ये बच्चे, जो इस वक्त आजमाइश है, इस वक्त मुश्किलें परेशानियां मुल्क पर हैं, इस वक्त जो अपना खून दे रहे हैं, ये बहुत आला शहदा है, अफजल तरीन शहदा हमारी उम्मत और मिल्लत के यही नौजवान बच्चे हैं हमारे। ये बच्चे अल्लाह के फजल और करम से जब तक हमारे मुल्क में मौजूद हैं, अल्लाह इस मुल्क को जाया करने वाला नहीं है, आजमाइशें हैं और इम्तहान है। इकबाल ने ये सारी डॉक्ट्रिन रमूज बेखुदी के उस चैप्टर में बांधी है जिसको हम अब डिस्कस करने जाएंगे, कि जिसमें उन्होंने उम्मत मुस्लिमा की विजडम बताई है, उसका अल्लाह से ताल्लुक बताया है, रिलेशनशिप बताया है, कि यार ट्राई टू अंडरस्टैंड, इस मिल्लत को अल्लाह जाया करने वाला नहीं है, मिल्लत को, इस मिल्लत को, और इस मिल्लत को आज अगर आप देखिए तो इस मिल्लत का जो दिल सेंटर है, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी पाकिस्तान। इसलिए हमारे ऊपर ये सब मुसीबतें और सब सख्तियां, मुसीबतें तो मैं नहीं कहूंगा, आजमाइशें इम्तहान कहूंगा। मुसीबत होती है अल्लाह की पनिशमेंट के तौर पर, यस अल्लाह की पनिशमेंट के तौर पर हम पर कुछ हुक्मरान भी नाजिल हो गए, लेकिन बाकी इस कौम के लिए आजमाइश है, इस कौम के लिए टेस्ट है, और ये हमें मौका देते हैं कि वी कम अप, उस वादे को पूरा करें जो हमने अल्लाह से किया था, जब हम डिस्कस करेंगे। पनिशमेंट तो बहुत सारे लोग फील करते हैं ना आजकल, जब मैं लाहौर में आजकल रहता हूं तो 12 घंटे कम से कम लाइट नहीं आती और सारी रात जो है वो एक उसमें गुजरती है, तो आप कहते हैं अल्लाह से दुआएं मांगते हैं कि खुदा ये किस चीज की सजा दे। और मैं आम लोगों से मिलता हूं, अपने वालिद साहब मेरे बहुत अपना बूढ़े हो गए हुए और बीमार भी रहते हैं, तो जब लाइट जाती है तो सांस नहीं आता, तो एक मेंटल जो स्ट्रेस का लेवल है कौम के अंदर, मैं कहता हूं कि हर बंदा दुकानदार से लेके हर बंदा जो है वो उसका जो मेंटल स्ट्रेस लेवल है और जो वो जो कहते हैं ना कि अब डेड एंड नजर आ रहा है उनको, कि अब क्या करें, हम कहां जाएं। दो दिन अगर सड़कों पे निकलते हैं तो 4 दिन के लिए लाइट ठीक हो जाती है, उसके बाद फिर वापस वैसे ही आ जाती। तो ये आजमाइशें ही हैं लोगों के ऊपर, और लोग मेरे ख्याल से बहुत बहादुर हैं इस मुल्क के, कि अगर आप हमें पोस्ट
न्यूक्लियर वर्ल्ड के अंदर भी फेंक दे तो शायद हम लोग सर्वाइव कर जाएंगे, ना हमारे पास पानी है, ना बिजली है, ना खाने को पैसा है, ना नौकरी है। कल एक कंपनी है जिसने 700 लोगों को ले ऑफ किया लाहौर के अंदर, और वो मुझे बता रहे थे एक दोस्त के किस तरह उन गरीब लोगों की आहें निकल रही थी कि अब क्या करेंगे वो बच्चे जिन्होंने पाले अपने। तो एक आजमाइश का जो एक टाइम आया हुआ पूरी कौम में कलेक्टिवली फील कर रहे हैं लोग। पहले तो एक बंदे घर या एक इलाके में लाइट नहीं आ रही, पूरा पाकिस्तान उसे फील कर रहा है। अली यही हमारे इम्तहान है ना, इस वक्त जिनको अल्लाह ने दिया है वो अपने रिस्क को तकसीम करें, अल्लाह की मखलूक में बांटें, ये साबित करें कि वो इस काबिल हैं कि अल्लाह ताला आइंदा जो जिम्मेदारी में देना चाहता है वो उठाने के लिए काबिल भी हैं या नहीं, तैयार किया जा रहा है। ये फिल्टरेशन प्रोसेस है, जैसे आपने कहा ये आजमाइशें टेस्ट है, अल्लाह हमें मजबूत कर रहा है या छांट रहा है, और अल्लाह करे कि ये आजमाइशें हमें स्ट्रांग बनाए ना कि वीक। लेट्स टेक अ ब्रेक। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक। आज का हमारा रमूज़ बेखुदी के ऊपर जो हमारे जो लास्ट कंक्लूसिव चैप्टर्स जो हैं उनकी तरह चलते हैं। आज का चैप्टर है मुस्लिम उम्मा और खुदा के साथ उसका ताल्लुक। विदाउट एनी डिले सर, अली जो बात हम कर रहे थे उससे पहले कि देखो यू नीड टू रियलाइज वन थिंग, आप अगर इकबाल जैसे कहते हैं कि खुदी के तर्जुमा हो जा खुदा का राजदार हो जा, खुदी का तर्जुमा हो जा खुदा का राजदार हो जा। जब इंसान अपनी रियलिटी को रिप्रेजेंट करता है, उसको रिफ्लेक्ट करता है, अल्लाह ताला के एट्रीब्यूट्स अपने वजूद में लाता है, कहारी और गफारी और कुदूसी और जबरूत होता है, जब उसकी हां और ना में अल्लाह ताला अपने बंदे से पूछता है कि बताओ तेरी रजा क्या है, जब मोहम्मद से वो वफा, जब जहां चीज है क्या लोहो कलम उसके होते हैं, जब वो इस लेवल पर पहुंचता है तो वो अल्लाह का राजदार बन जाता है। यानी कि आप कहना ये चाहते हैं कि जब कोई इंसान अपने अंदर झांकता है तो उसको खुदा के सिवा तो कुछ मिलता नहीं है, और उसका अल्लाह से ऐसा ताल्लुक कायम होता है कि वो अल्लाह से राज शेयर करने लगता है। इकबाल वाज वन ऑफ दोज, वो अल्लाह की विजडम भी जानते थे, उसके सीक्रेट्स को भी जानते थे, ये भी जानते थे कि अल्लाह जब कौम को पैदा करता है तो क्यों करता है, तबाह करता है तो क्यों करता है, और बाज कौमों को क्यों तबाह नहीं करेगा वो। यानी उम्मत मुस्लिमा के मामले में जो परेशानी उम्मत को आज हमें नजर आती है वो हौसला देती है ये बात कि यार नहीं नहीं क्या हो गया, पंजाबी में आपके लाहौर की खास जबान में कहते हैं यार क्यों हो गया, कोई नहीं कोई नहीं ना, तो वाई वरी कमाऊ, कुछ नहीं होने वाला अल्लाह के फजल करम से, इस पाकिस्तान को भी कुछ नहीं होने वाला। चंद रोज पहले तक आपको मालूम है लोग कैसा तूफान बर्पा किए हुए थे कि सवात फॉल हो जाएगा, ट्राइबल एरिया फॉल हो जाएगा, इस्लामाबाद चला गया, अल्लाह के फजल और करम से 2 महीने नहीं लगे, दुनिया की तारीख में कभी इतना कामयाब मिलिट्री ऑपरेशन नहीं हुआ कि श्रीलंका छोटा सा मुल्क जो अपने जफना पेनिनसुला को साफ करने के लिए उसको 30 साल लगे, 30 साल लगे, और पूरा ये सवात मालाकंड बुनेर दीर का ये रीजन जो कि श्रीलंका से तकरीबन दुगने साइज का है, इसको 2 माह में साफ कर लिया हमने। ये इतना बड़ा कामयाबी ये बगैर अल्लाह की ताइद के और अल्लाह के फजल के तो नहीं हो सकता, एंड इट्स अ साइन। लेकिन उसके साथ साथ सर और भी तो सिक्योरिटी थ्रेट्स पाकिस्तान को, अब मरीन्स लैंडिंग इन बलोचिस्तान, नॉट मेनी पीपल नो अबाउट दैट के फोर्सेज जो हैं अमेरिकन फोर्सेज जो हैं वो कोस्टल मकरान, ये बात इसलिए रेलेवेंट है जो आज हम करने जा रहे हैं वो इसीलिए रेलेवेंट है ना कि अब जब ट्राइबल एरिया और सवात में अल्लाह के फजल से कमर तोड़ दी दुश्मनों की हमने, तो दे हैव मूव्ड ऑन टू बलूचिस्तान। अब ये बलूचिस्तान में गवादर के पास अपनी नेवल पोर्ट बनाने की बात कर रहे हैं और ये गवर्नमेंट इजाजत भी दे रही है उन्हें, फिर ये बात कर रहे हैं कि मरीन्स जो है वो एम्फीबियस लैंडिंग्स करेंगे बलूचिस्तान के साहिल के ऊपर, ये बात की जा रही है कि आर्मी के जिसका हेडक्वार्टर इसराइल में बैठे हुए हैं वहां से बैठ के ये आजादी डिक्लेयर करने जाएंगे और कुछ मुल्क उनको रिकॉग्नाइज करेंगे, फिर ये बात की जा रही है कि जॉइंट स्पेशल ऑपरेशंस कमांड जेएसओसी के लोग जो हिलमन में बैठे हुए अफगानिस्तान में वो वहां से दहशतगर्दी करेंगे, पाकिस्तान के न्यूक्लियर एसेट्स को तलाश करके हंट डाउन दो एलिमेंट्स के जो पाकिस्तान को प्रो पाकिस्तान एलिमेंट्स हैं बलोचिस्तान में। ये तमाम खबरें जब आ रही हैं तो लोग मायूसी का शिकार होना शुरू होते हैं, लोगों को दुख होता है, तकलीफ होती है कि ये क्या होने जा रहा है, लेकिन यही बात हम बताना चाहते हैं कि अल्लाह के फजल से घबराने परेशान होने की बात इसलिए नहीं है कि आजमाइशें चैलेंजेस और टेस्ट होंगे, उम्मत मुस्लिमा को हमेशा रहे अपनी तारीख में और पाकिस्तान को भी हमेशा रहे, लेकिन इफ यू नो द सीक्रेट्स एंड विजडम ऑफ अल्लाह सुभान व तआला व्हिच वी आर गोइंग टू डिस्कस नाउ, तो यू रियलाइज कि इस पाकिस्तान ने अब फैलना है, छोटा नहीं होना, जो इसको खराब करने के लिए या इसको तबाह करने के लिए आएगा अल्लाह ताला उसके रसूल उसके मलाइका और अल्लाह के बंदे उसके दुश्मन होंगे और उसका वो हशर होगा कि वो याद करेगा। इकबाल कहते हैं उम्मत मुस्लिमा खुदा की निशानियों में से एक निशानी, उम्मत मुस्लिमा आयात खुदास्त अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी है, असलिश अज हंगामा कालू बलास्त, क्या खूबसूरत शेर है, यानी इमेज मेस्मराइज्ड विद दिस,
کہتے ہیں امت مسلمہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. اس کا اگر اوریجن دیکھنا چاہتے ہو کہ یہ امت مسلمہ شروع کہاں سے ہو, ہم سمجھتے ہیں 1400 سال پہلے یہ امت شروع ہوئی کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی شریعت اپنی دین کو لے کے تشریف لائے. کہ نہیں, اس امت کا آغاز اس وقت ہوا کہ جب اللہ نے زمین بھی نہیں بنائی تھی, آسمان بھی نہیں بنائے تھے, کائنات بھی نہیں بنائی تھی, کچھ بھی نہیں تھا. اور سورہ الاعراف کی 172 نمبر آیت میں جب اللہ تعالیٰ کہتا ہے عہد الست کہلاتا ہے, جب اللہ نے تمام انسانوں کی حقیقتوں کو, انفس کو, ان کی ریالٹی کو سامنے کھڑا کر کے اللہ نے عہد لیا تھا, الست بربکم, کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں. یہ قرآن میں سورہ الاعراف میں پورا واقعہ لکھا ہوا ہے, کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں. ہم میں ہر انسان جو آج اس دنیا میں موجود ہے یا گزر چکا ہے یا آئندہ آئے گا, اس سب کی حقیقت کو اللہ نے ایک ساتھ ہر انسان کو سامنے کھڑا کیا, اس سے عہد لیا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں, اور ہم سب نے اللہ کے آگے گواہی دی, بلا قالو بلا, ہم سب نے کہا جی ہاں آپ ہمارے رب ہیں. بے شک تاکہ قیامت کے دن اللہ نے کہا وہ اس لیے میں نے عہد لیا کہ تم آگے جا کے یہ نہ کہو کہ مجھے تو کبھی کلمہ پڑھایا ہی نہیں کسی نے, مجھے تو کبھی کسی نے یہ بتایا ہی نہیں کہ میرا اور اللہ کا رب کا تعلق کیا ہوتا. تو یہ عہد الست کہلاتا ہے. اور اقبال یہ کہہ رہے ہیں کہ امت مسلمہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. امت مسلمہ کا آغاز اس وقت ہو گیا تھا, ظاہری طور پہ آج دیکھو تو اربوں 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 سال پہلے کی وہ بات ہے, ٹھیک, جب کائنات بھی نہیں بنی ہے, کاسموس بھی کریٹ نہیں ہوئی ہے, جب زمین چاند ستارے بھی نہیں بنے, اس وقت کا واقعہ قرآن لکھتا ہے کہ میں نے ایک ایونٹ کیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اور اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں اور اقبال کہتے ہیں کہ وہ جو قالو بلا ہم نے جو کہا ہے, ہماری اصل وہاں سے, اوریجن وہاں سے ہوا ہے ہمارا, ٹھیک, امت مسلمہ کا آغاز ادھر ہو گیا تھا, ہم میں ہر شخص نے اس وقت عہد لیا تھا کہ اللہ ہمارا رب ہے, یعنی لا الہ الا اللہ, کوئی الہ نہیں سوائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے. تو جس امت کی اوریجن اتنی پرانی ہو, جس کو اللہ نے, جس کو پوری کائنات جس کے لیے اللہ نے تخلیق کی ہو, یہ امہ کے لیے کہ اس کو ریکگنائز کریں اپنی, اس کو ریکگنائز اگر تم کرتے ہو کہ تم اس وجود کا حصہ ہو, اس اللہ تعالیٰ کی مرضی اور رضا کا حصہ ہو, اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہو, تو تم کبھی تباہ نہیں کیے جا سکتے. اللہ تمہیں کبھی تباہ کرے گا ہی نہیں, ہو ہی نہیں سکتا, ناٹ پاسبل. کہ اللہ کا, اس لیے اللہ ساری کائنات اللہ نے بنائی ہے کہ پوری دنیا سے اسلام ختم ہو جائے, کفر رہ جائے. صرف ابلیس کے لیے تو کائنات اس نے نہیں بنائی, اس نے کائنات اس لیے بنائی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی جائے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم درود صلاۃ السلام پڑھا جائے, اللہ کا نام کا ذکر بلند کیا جائے, اور اللہ کے دین و شریعت کو نافذ کیا جائے, اور اللہ کی مخلوق پر احسان کیا جائے اس کو شریعت کے تابع لا کر. یعنی کہ آئرنی آف دی سچویشن تو یہ ہو گئی ہے کہ لوگ جو ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو کفر کا راستہ ہے دیٹ از دا رائٹ وے آف لیونگ, اینڈ اسلام از ٹو فنڈامنٹلسٹ اور ٹو اگریسو اور ٹو, یہ انفارمیشن کا جو عقل کے اندھوں کو کوئی یہ بتایا کہ وہ ملت جس کو قرآن پاک میں اللہ کہہ رہا ہے کہ زمین و آسمان کو تخلیق کرنے سے پہلے جس ملت کو میں نے تیار کیا, اور اس ملت نے عہد لیا اللہ سے کہ جب ہم دنیا میں بھیجے جائیں گے تو ہم آپ کی تباہ اور آپ کی اطاعت کریں گے, اسی کو تو اسلام کہتے ہیں نا, اسی کو تو اسلام کا مطلب ہے سرنڈر ٹو اللہ سبحانہ وتعالی. تو وہ ملت جس کو اللہ نے کائنات سے پہلے پیدا کیا وہ کیسے ختم کرے گا. کہتے ہیں یہ قوم دائرہ اجل سے باہر ہے, از اجل ای قوم بے پرواز استوار نحنو نزل ناس, یہ قوم دائرہ اجل سے باہر ہے, اس کا قیام نحنو نزلنا پہ مبنی ہے. ایک فیسنیٹنگ شعر ونس اگین, یہ جو قوم اجل سے دائرہ اجل سے باہر ہے, یعنی اجل کہتے ہیں اس چیز کو کہ ہر چیز ایک پیدا ہوئی, اپنا لائف سائیکل پورا کیا, پھر ختم ہو گئی, ڈس انٹیگریٹ ہو گئی, ایک چیز کہ جو اللہ تعالیٰ نے کن فیکون سے تیار کی ہو, یعنی اللہ نے کہا بن جاؤ, بن گئی زمین و آسمان کائنات مخلوق, اللہ نے کہا کن فیکون, ہو جا ہو جائے, بن گئی. ایک چیز اللہ کی کریشن ہے, اللہ تعالیٰ نے اس کو تعمیر کیا ہے ایز ایز این انوائرمنٹ, ایز سرکمسٹانسز. لیکن یہ امت مسلمہ, اس کو اللہ تعالیٰ نے کن فیکون سے نہیں تیار کیا, اس کو اللہ کہتے ہیں نحنو نزلنا الذکر. اقبال کہتے ہیں کہ ہم یہ امت جو ہے نحنو نزلنا کی ڈیفینیشن میں آتی ہے کہ اللہ نے اس کو نازل کیا ہے, ٹھیک, جس طرح قرآن پاک جو ہے, جس طرح قرآن پاک کے بارے میں اللہ قرآن میں کہتے ہیں کہ یہ ذکر وہ ہم نے نازل کیا, نازل کیا, یہ کن فیکون سے نہیں بنا, یہ نہیں کہا بن جاؤ تو بن گیا, وہ کیڑے مکوڑے درخت مٹی پتھر اور پہاڑ سمندر دریا اس طرح بنتے ہیں, اللہ کے کچھ خاص راز ہوتے ہیں جن کو اللہ اپنے ہاتھوں سے بناتا ہے, جس انسان کے بارے میں اللہ نے کہا ہے خلق بیدیہ, انسان کو تو میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا, اور قرآن کے بارے میں کہتا ہے ہم نے اس کو نازل کیا, نازل کیا, یہ اس ڈومین سے باہر ہے جس ڈومین میں نارمل کریشن کام کرتی ہے. اور یہ اقبال کہہ رہے ہیں یہاں پر کہ تم اپنے آپ کو سمجھنے کی کوشش کرو کہ تمہاری وجہ سے تو کائنات بنی ہے, تمہاری وجہ سے تو اللہ نے اس پوری مخلوق کو, دنیا کو آباد کیا, تم کو اللہ نے نازل کیا ہے, تم کو اپنے ہاتھوں سے بنایا. Realize what you are, realize what your role is, realize what your duty is, کیونکہ تم اگر اپنا یہ مقام سمجھ جاؤ, self-realization, anybody who جو self-realize کرتا ہے اس کو خدا مل جاتا ہے اور خدا کی teaching تک انسان دیکھو علی یہی بات. اب جب یہ ریئلائز کر لیتا ہے انسان کہ یار میری وجہ سے تو اللہ نے کائنات بنائی ہے, مجھے کیسے ضائع کر دے گا جی,
تو یہاں پر اقبال پھر اس ملت اور امت اور اس آئیڈیالوجی کی بات کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ دیکھو تم فرد کے طور پہ تو غلطی کر سکتے ہو تمہیں مار پڑے گی، نیشن کے طور پہ ملک کے طور پہ تو تم غلطی کر سکتے ہو مار پڑے گی، لیکن جس آئیڈیالوجی کو تم ریپرزینٹ کر رہے ہو وہ کبھی ختم نہیں ہوگی. دیٹ آئیڈیالوجی ول ریمین. امت کا کانسیپٹ آئیڈیالوجی اور اسلام کا وہ رہے گا، لہٰذا اپنے آپ کو امت سے جوڑو تاکہ بچے رہو. جیسا کہ ہم نے آپ نے پچھلے شو پہ بھی اس کی بڑے اچھا ایکسپلینیشن دی ہے کہ فرد از ٹائم ریلیٹڈ. آپ اور میں 1970 میں پیدا ہوئے، 2020 میں مر گئے، 50 سال کی زندگی تھی جو ختم ہو گئی، لیکن جو امت ہے وہ سینچریز، بلکہ اٹس ٹائم لیس کانسیپٹ. اینڈ دیٹ از وٹ یو نو گیو می اے رینیوڈ ہوپ. اینڈ آئی ایکچولی ایکسپلین دیٹ ٹو اے لاٹ آف مائی فرینڈز 2 days ago. تو ان کو بھی یہ چیزیں جو منکر ہیں، جو لوگ کہتے ہیں ہم سننا ہی نہیں چاہتے، اب وہ بھی سننے لگ گئے ہیں. اور شکر ہے بہت سارا کہ یہ جو چینل جس کے تھرو المیہ نے آپ کو ایک چینل کے طور پہ استعمال کیے. وی گونا ٹیک اے بریک، اینڈ ونس وی کم بیک وی گونا ڈسکس دس مور. السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک ٹو دا سافٹ ریولوشن. اور ایز سمبڑی سینٹ ویری کول ای میل ٹوڈے سینگ کہ علی عظمت نے بڑا اچھا نام دیا اس پروگرام کو، اقبال فار ڈمیز. تو آبیسلی دس از ان دس کیس آئی ایم کالنگ مائی سیلف اے ڈمی، کہ جو اقبال کو ہم لوگوں نے اوپر کے ایک لیول پہ، یعنی کہ جو صفائی لیول پہ سمجھا ہے. اور یہ شو جو ہے پورے پاکستان کی عوام کے لیے، بلکہ نوجوانوں کے لیے بھی اور بوڑھوں کے لیے بھی. میری ایک چچی مجھے ملی اس دن، وہ آپ کو بہت دعائیں دے رہی تھیں. انہوں نے کہا کہ میں یہ شو بہت شوق سے دیکھتی ہوں اور شی از اے نیو پرسن آفٹر دس شو. تو ایک کال لیتے ہیں جی، بہت دیر سے ہمارے کان میں بن بنا رہے ہیں. ہیلو ہیلو، السلام علیکم جی. کون صاحب؟ میں ارشد بول رہا ہوں. ارشد صاحب کیسے ہیں؟ سوال کیا پوچھیں گے آپ؟ ٹائم بہت کم ہے. سوال ہے، سوری میں آپ لوگ اتنا اچھے باتیں کر رہے ہیں اور بیچ میں گھس گیا ہوں. نہیں نو پرابلم. اوکے، اور سب سے پہلے تو جاہد بھائی کو سلام دوں گا. جی ویلکم سر. اور جاہد بھائی کا بھائی سے یہی میرا ایک سوال تھا. جو ہم یورپ میں بہت سال سے رہتا ہوں، تو یہاں پہ یہ یورپ یونین بن گیا، ان کا کرنسی بن گیا، یہ مسلم یونین بننے کا کوئی ایسا خوشخبری سن سکتا ہوں؟ یا مسلم یونین، مسلم کرنسی، ایسا کوئی نہ میڈیا میں باتیں کرتے ہیں اور نہ سنتا ہوں، یا ایسا کوئی خوشخبری ہمیں مل سکتا ہے کہ ہمیں مسلم یونین بھی کوئی بنا رہے ہیں یا اس میں کوئی کام کر رہے ہیں؟ ایسا تو کچھ سنتا نہیں ہوں. یہی سوال تھا جاہد بھائی سے. بہت شکریہ آپ کا جی. آپ کا سوال بڑا اچھا سوال ہے، فرام ڈفرنٹ اینگل. زید صاحب سے اس کے اوپر روشنی ڈالیں، کیونکہ میرے پاس تو بہت ان کے جوابات ہیں، لیکن میں آپ سے چاہتا ہوں کہ جی ایک سمپل آنسر اس کا یہ ہے کہ انشاءاللہ ضرور بنے گی ایک یونائٹڈ سٹیٹس آف اسلام. ایک ہوں گے مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے تابہ خواہ کے کاشغر. کیوں نہیں ہوگا؟ یہ اس نے ہونا ہے. اور اللہ کے فضل سے ہم اس ہراول دستے میں شامل ہوں گے کہ جو اس ملت کو اور اس امت کو دوبارہ متحد اور یکجا کر کے ایک وہ سلطنت بناتی ہے کہ جس کو مسلمان ملت اور امت، پہلے زمانے میں ہم خلافت راشدہ یا خلافت کہا کرتے تھے، جو 1400 سال سے مسلم مین سٹریم کانسیپٹ ہے آف اے پولیٹیکل ڈاکٹرن، جو مختلف ہے ڈیموکریسی اور ڈکٹیٹرشپ اور سوشلزم اور کیپٹلزم کمیونزم اور بادشاہتوں اور تھیوکریسی سے، وہ ان سب سے مختلف ہے. بالکل. اور آج کل کی ماڈرن پولیٹیکل سائنس کی کتابوں میں پڑھایا ہی نہیں جاتا ہے کہ خلافت کا پولیٹیکل ماڈل، اکنامک ماڈل، جوڈیشل ماڈل اور ملٹری ماڈل تھے کیا. بالکل. کتابوں سے ہی نکال دیا تاکہ مسلمانوں کی تاریخ سے نکال دیا جائے. آج ہم سے کوئی بات کر رہا تھا خلافت کے ٹوٹنے کے بعد، اس کو یہ اس طرح بے حرمت اور ذلیل کرتے رہے کہ ہندوستان میں ایک رواج بن گیا. یہ بڑے بوڑھوں سے آپ پوچھے گا وہ بتائیں گے کہ ہیئر ڈریسر کو، بال کاٹنے والے کو خلیفہ کہتے تھے، اور جو جھاڑو دیا کرتا تھا اس کو مہتر کہتے تھے. یعنی مہتر ترکوں کا ملٹری بینڈ تھا کہ جس کی وجہ سے پورے یورپ کا دل دہلتے تھے. اس کو ذلیل کرنے کے لیے، انسلٹ کرنے کے لیے ہمارے ہوٹلوں کے باہر آج آپ دیکھتے ہیں کہ لمبے کوٹ پہن کے، وہ بیلٹ پہن کے، سر کے اوپر امامہ پہن کے ویٹرز کھڑے ہوتے ہیں. بالکل. یہ ٹیپو سلطان کا لباس تھا، اور ٹیپو سلطان کو انسلٹ کرنے کے لیے لوگوں نے اس طریقے سے اپنے ویٹرز اور ملازمین کو یہ لباس پہنانے شروع کیے. وہ ابھی تک چلے آ رہے ہیں، اور وہ ابھی تک چل رہا ہے ہمارے ہوٹلوں میں. بالکل. ان کو چونکہ ہسٹری نہیں پڑی نا، معلوم نہیں ہے کہ یہ اپنی ذلت کا سامان خود کرتے ہیں. تو جس ریاست کو یہ تباہ کرنا چاہتے ہیں، جس خلافت کو انہوں نے توڑا ہے، ختم کیا ہے، کہ اور مقصد ان کا یہی تھا کہ مسلمان تقسیم ہو کے چھوٹے چھوٹے خطوں اور ریاستوں میں، اور اب جو ملک بنے ہوئے ان کو مزید توڑ کے، بلوچستان الگ کر دو، سندھ الگ کر دو، پنجاب الگ کر دو، فرنٹیئر الگ کر دو، کشمیر الگ کر دو، کردستان الگ کر دو، عراق کو 3 حصوں میں توڑ دو، اب یہ مزید چھوٹا کرنے جا رہے ہیں. جی. اور اللہ کے فضل سے ہم بالکل ریورس کر دیں گے اس کو، اور یہ مسلمان ملت اور امت اب جو بیدار ہوئی ہے، یہ جو سافٹ ریولوشن ہے، اس کا مقصد یہی ہے کہ آپ کو یہ ریئلائز کرایا جائے کہ آپ کسی چھوٹی قوم کا
لسانی قوم کا عصبیت کی بنیاد پر آپ کی تقسیم نہیں ہے، آپ کی اصل، آپ کی آئیڈیالوجی، آپ کے عقیدے، آپ کی توحید، آپ کی رسالت، آپ کی آخرت کے عقیدے پر بلڈ کرتی ہے، جس کو ملت اسلامیہ کہتے ہیں. ہماری عزت، ہماری آنر، ہماری ڈگنیٹی، ہمارا وقار، سب کچھ اللہ کے رسول کے نام کے ساتھ وابستہ ہے. اگر ہم نے اپنے آپ کو اس ملت کو تقسیم کیا تو پھر ہماری کوئی عزت ہے نہ کوئی آبرو ہے، ہمارا سب کچھ اس ملت سے. اور یہی بات جو بار بار اقبال کے پاکستان کو ایمفسائز ہم کر رہے ہیں کہ پہلے پاکستان کے لحاظ سے یہ ریلیونٹ کیوں بنتا ہے. ہم جس اقبال کے پاکستان کو بنانا چاہ رہے ہیں، پہلے تو ہم نے نیشن بننا ہے، پہلے تو ہم نے وہ ملت بننا ہے کہ جو اس مدینہ ثانی، اس پاکستان کے اندر ایک ہو. اس کے بعد ہم نے آہستہ آہستہ اپنے آس پاس کے مسلمان ملتوں کے ساتھ مل کر ایک ملت بننا ہے. انشاءاللہ یہ ہوگا. اور یہ جو کچھ ہو رہا ہے، جو کچھ آپ کو نظر آ رہا ہے، کیوں یہ پاکستان کو تباہ کرنے کے لیے پوری دنیا کے اس وقت طوفان ہمارے گرد ہے؟ اس لیے کہ دشمنوں کو ہم سے زیادہ پتا ہے کہ یہ پاکستان امت مسلمہ کی اب سینٹر آف گریوٹی ہے. جو بدر کے 313 ہیں وہ آج پاکستان ہے، جو بدر کی بیٹل گراؤنڈ ہے، ٹوڈے از دس بیٹل گراؤنڈ آف پاکستان. اور اسی لیے اسرائیل، انڈیا، یعنی کہ موساد اور را اور MI6 اور CIA جو پاکستان میں اس وقت بربریت پھیلا رہے ہیں، یہ تو سب کے یہ ساری نالج جو ہے obviously انٹرنیٹ کے اوپر بھی ہے، ہر جگہ پتا ہے سب کو کہ یہ آپریشن بلو تلسی کا ایک حصہ ہے، جس میں پورے ملک کے اندر ہر قسم کے لسانی تعصباتی اور ریلیجیس، ابھی انہوں نے گوجرا میں دوبارہ مسیحی برادری کے ساتھ جو کیا، جو کہ مسلمانوں کا شیوا ہے ہی نہیں. مسلمانوں کا شیوا نہیں ہے کہ وہ جا کے کسی، ہم اپنے مسیحی برادری کو اپنا بھائی سمجھتے ہیں، اپنے اہل کتاب سمجھتے ہیں، ہم ان کو کبھی کوئی نقصان نہیں پہنچاتے. میں کسی ایسے مسلمان، کسی ایسے پاکستانی کو نہیں جانتا جو کہ اس قسم کے جذبات رکھتا ہو. یہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. جو آپ، جو انسان خدا سے ڈرتا ہے، محمد پہ یقین رکھتا ہے، نماز پڑھتا ہے، وہ یہ سب چیزیں نہیں کر سکتا. اور یہ سب ہمیں ڈیفیم کرنے کی ایک بہت سخت کوشش ہے. اور یہ بہت سارے اور جو چکر چل رہے ہیں پاکستان میں، آپ دیکھ رہے ہیں بجلی، پانی، تیل، گیس، یہ وہ، اوپر نیچے کھانا پینا، اور اس کے علاوہ ہر صوبے میں ایک افراتفری پھیلائی ہوئی ہے. یہ زیادہ دیر چلے گا نہیں، کیونکہ لوگ اب جاگ رہے ہیں اور لوگوں کو پتا ہے کہ یہ کس لیے ہو رہا ہے. اور پہلے جو غم غصہ کی ایک لہر تھی، اب لوگوں نے سمجھنا شروع کر دیا. اب اس پروگرام کی توسط سے ہی غالباً شاید، یا اور کیونکہ لوگ اب اور ڈفرنٹ انفارمیشن جو کہ میس میڈیا کے علاوہ، کیونکہ میس میڈیا تو ایک میس الوژن ہے، اس کے علاوہ جو انفارمیشن ہے لوگ اس میں بھی انٹرسٹڈ ہو گئے ہیں. علی، یہی بات exactly. دیکھیے قرآن پاک نے اتنی خوبصورت ایک آیت بیان کی ہے جس کا تعلق ویپنز آف ماس ڈیسیپشن سے، دھوکے سے، فراڈ، ڈس انفارمیشن، پروپیگنڈا سے. قرآن کی آیت ہے، وہ یہ کہتی ہے یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون. یہ لوگ اللہ کے نور کو، اسلام کو، اس امت کو، اس شریعت کو، اللہ کے دین کو، مسلمانوں کو اپنے پروپیگنڈے سے بجھانا چاہتے ہیں، ڈس انفارمیشن کے ذریعے کہ مسلمان دہشت گرد ہیں، پاکستان ٹوٹ رہا ہے، پاکستان میں عیسائیوں کے، مسلمانوں کے جھگڑے شروع ہو گئے ہیں، سندھی، مہاجر، پنجابی، بلوچی، پشتان، بلوچ جو ہیں وہ پاکستان توڑنا چاہتے ہیں. یہ ڈس انفارمیشن ہے، افواہ ہے، جسے قرآن لفظ افواہ استعمال کر رہا ہے، افواہ پھیلا رہے ہیں یہ سارے. واللہ متم نور ہی، اللہ تو اپنے نور کو کر کے رہے گا، ولو کرے الکافرون، چاہے ان کو جتنا بیڑا برا لگے، ان کا جتنا بیڑا گرا کو، یعنی جس کو کہتے ہیں لٹرلی دے کین کلائم دی ہائیسٹ پول اینڈ جمپ فرام اٹ، اللہ وہی کرے گا جو اللہ چاہتا ہے. اللہ چاہتا ہے. پاکستان کا بھی اور امت مسلمہ کا بھی یہی معاملہ ہے. یہ جو مرضی کر لیں، نہ اس پاکستان کو اللہ کے فضل سے کوئی نقصان پہنچنے والا ہے، اور نہ اس امت مسلمہ کو. ہمیں جو چوٹیں لگ رہی ہیں، ہمیں جو نقصانات پہنچ رہے ہیں، یہ کرتے رہیں گے. لیکن اس امت نے اور اس ملت نے اگر آپ کو یہ یقین ہو کہ ختم نہیں ہونا، تو پھر آپ کو ایک امید اور حوصلہ ملتا ہے کہ یار ہم ری گروپ کر سکتے ہیں، ری آرگنائز کر سکتے ہیں، کاؤنٹر اسٹریٹجیز بلڈ کر سکتے ہیں، کاؤنٹر اٹیک کر سکتے ہیں. اور وہی بات جو آپ نے کہی کہ اب ملت بیدار ہو رہی ہے. اقبال نے اگلا شعر بھی اسی حوالے سے کہا ہے، اگین فیسینیٹنگ، کیونکہ اوپر جو بلڈ کرتے آئے کہ اس امت کے رازوں کو سمجھو، یہ اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے، اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. پھر کہتے ہیں جب اللہ نے فرما دیا کہ یہ نور بجھایا نہیں جائے گا، وہی بات جو آیت قرآن کی جو ریفرنس دی ہے، یہی معجزہ اقبال کی شاعری کا ہے کہ قرآن کی آیتوں کو اس طرح پروتے ہوئے جاتے ہیں اپنی شاعری میں کہ یو گیٹ این انٹائر ڈیوائن وزڈم بلٹ انٹو ایچ انڈیویجل کپلٹ. کہتے ہیں کہ جب اللہ نے کہہ دیا کہ یہ نور بجھایا نہیں جا سکتا، اس لیے اب یہ چراغ اس بات سے بے غم ہے کہ کوئی مجھے بجھا سکے. اس بات سے جب آپ بے فکر، جب ایک بچے کو پتا لگ جائے کہ میں نے فیل ہونا ہی نہیں ہے، اب کم از کم وہ اس معاملے میں پریشان نہیں ہے کہ میں فیل ہوتا ہوں یا نہیں ہوتا، اس نے اب ڈسٹنکشن لانے کی بات کرنی ہے. اللہ کے فضل سے اس پاکستان کو کچھ نہیں ہوگا، اب اس نے عروج پہ جانا ہے. جیسے بڑی زبردست آپ کی اس بات سے مجھے ایک بات اور کا بھی خیال ہے کہ یہ جس طرح زائنس اس وقت
इनको पैनिक भी है, मुस्लिम दुनिया के साथ, मुस्लिम उम्मा के साथ भी पैनिक है, पाकिस्तान से बहुत ज्यादा पैनिक है, न्यूक्लियर एसेट, इस्लामिक बॉम्ब और सब वो सब चीजें, ये एक वर्ल्ड करेंसी, वर्ल्ड आर्मी, वर्ल्ड रिलीजन कायम करना चाहते हैं, तो हम चाहते हैं कि ये करे, क्योंकि बाद में इसको मुसलमानों ने इसके ऊपर कब्जा कर लेना है, उसके ऊपर वर्ल्ड करेंसी के ऊपर भी, और अपने उन्हीं के सारे सिस्टम को डिस्ट्रॉय करके फिर मुसलमानों का और अल्लाह का कानून जो है इसके ऊपर इंशाल्लाह ताला राज होगा। इसके साथ ही हम एक ब्रेक लेते हैं, अब ब्रेक से वापस आते हैं। वेलकम बैक टू इकबाल का पाकिस्तान। कुछ ईमेल्स और एसएमएसेस आए हैं, वो पढ़ना चाहूंगा मैं। ये ईमेल है उस्मान जावेद साहब की। डन विद इंजीनियरिंग रिसेंटली, सर आई हैव बीन फॉलोइंग योर प्रोग्राम सिंस अ वेरी लॉन्ग टाइम, मे बी द फर्स्ट प्रोग्राम ऑफ योर्स व्हिच वाज टेलीवाइज, सॉफ्ट रेवोल्यूशन, गिविंग दिस टाइटल टू दिस प्रोग्राम इज अमेजिंग, एंड ऑल्सो द टाइटल गिव बाय अली अजमत इकबाल फॉर डमीज व्हिच सूट्स मी मोर बिकॉज आई लाइक दिस, इट मेक्स इट वर्थ वॉचिंग। अच्छा, सवाल इनका ये है सर कि ऑल्सो द स्पिरिचुअल डायमेंशन वेदर बिलोंगिंग टू पॉजिटिव और नेगेटिव एंगल्स, इट स्टार्ट फ्रॉम इंटेंस कॉन्सेंट्रेशन और एक्सट्रीम स्क्रूटनी ऑफ योर कल्ब और नफ्स और सम सेज योर माइंड ऑल्सो, considering both positive and negative dimensions, after which is it's lead to activation of some extraterrestrial or paranormal activities which either abets you in making yourself a better man, you or detach you from what you are. But both mystical dimensions have been found in almost every religion and every culture. Even atheists seem to have something to read and observe by applying primary concepts of monasticism, which can activate these kinds of forces. As agnosticism is being considered to be the foundation of Freemasons, which also very close to close to seeking spirituality. So how could you relate this kind of thing to Muslims, or how I can be content with my practice of seeking mystical and spiritual dimension while considering that every religion has got its own practices and rituals to seek spirituality in their life for ecstasy or solace or doing anything positive or negative, both included. मुख्तसरन अली, इनका सवाल यह है कि रूहानियत की जब बात करते हैं तो हमको ये तमाम जितने मजाहब दुनिया में, हत्ता के फ्री मेसन्स भी, वो भी रूहानी डायमेंशन की बात करते हैं, तो हमें ये कैसे मालूम हो कि जिस रूहानी डायमेंशन की हम बात कर रहे हैं इस्लाम के तहत सिर्फ वही सच्चा रास्ता है और बाकी तमाम रूहानी डायमेंशन जो है, चाहे वो नेगेटिव स्पिरिचुअलिटी हो या पॉजिटिव हो, उसको हम कैसे रिकग्नाइज करेंगे? देखिए, इसका जवाब अली बहुत आसान है, क्योंकि हम जो कुछ कर रहे हैं हमारे फंडामेंटल्स कुरान पे हैं, और इस बात का जवाब अल्लाह ताला ने खुद उन आखिरी आयतों में दे दिया था कि जो हज्जतुल विदा के मौके पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई, अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम अतममतु अलैकुम नेमती वरदैतु लकुम अल इस्लाम दीना, आज के दिन मैंने तुम पे तुम्हारा दीन मुकम्मल कर दिया, तुम्हारे लिए मैंने अपनी नेमतें तमाम कर दी, ऑल ब्लेसिंग्स एंड बेनिफिट्स एंड बरकात एंड खैर एंड रिस्क आज मैंने पूरी उम्मत को तकसीम कर दिया, और तुम्हारे लिए मैंने फाइनली इस्लाम को तुम्हारे दीन के तौर पर सेलेक्ट कर लिया। ठीक, ये अल्लाह ताला ने फरमाया ना, कुरान में लिखा हुआ है। पहले बहुत सारे मजाहिब आए, उससे पहले तमाम अंबिया जो उससे पहले गुजरे, हम तो ला नफर्रको बैन महद में रसूल की बात है, हम तो किसी नबी की इज्जत में, जिस तरह आप पहले बात कर रहे थे कि कोई मुसलमान किसी नबी के एहतराम में कमी करने का सवाल ही पैदा नहीं होता, और हर नबी की उम्मत को हम रिस्पेक्ट करते हैं अहले किताब के तौर पर। बिल्कुल, मगर साथ साथ ये भी एक्नॉलेज वो खुद भी करते हैं कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो जो ओरिजिनल पैगाम उन अंबिया पे नाजिल हुआ था उसके अंदर शायद इंसान की अकल के साथ एडल्ट्रेशन और डायल्यूशन हो गई, और वो ओरिजिनल और एसेंस, वो मैसेज जो कि लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए आया था, अब वक्त ऐसा आया कि कयामत तक के लिए, जब क्योंकि हर दौर में अल्लाह ने नए नबी भेजने थे, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी नहीं भेजना, तो जब कयामत तक के लिए एक ही बुक, एक ही डॉक्ट्रिन, एक ही आइडियोलॉजी होगी, इट हैड टू बी परफेक्ट। वो 1,24,000 नबी जो का जो निचोड़ है निकालकर इस्लाम में डाल, इसका मतलब कहने का कुछ ऐसे भी हो सकता है कि खुदा ने प्रिडिक्ट कर दिया कि अब ये आखिरी नबी के बाद अब कयामत करीब है, चाहे 1400 साल या 1700 साल। अल्लाह ताला की जो बात आपने कही थी कि जो पिछले प्रोग्राम में भी हमने डिस्कस किया कि कौमों की तारीखें तो सदियों पर जाती है, इसी तरह अल्लाह ताला के नजदीक 1,000, 2,000, 5,000 साल तो कोई मायने नहीं रखता। बिल्कुल, तो ये कयामत की निशानियों में से बजाते खुद एक ये निशानी है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तशरीफ लाना और इस्लाम का और कुरान का आखिरी किताब के तौर पर आना। अब मजीद कोई किताब नहीं है, वही जो इकबाल ने भी कहा था कि हम आखिरी मिल्लत भी हैं, लोग सिर्फ नबी की बात नहीं है, आखिरी किताब की बात नहीं है, हम आखिरी मिल्लत भी हैं, और आखिरी मिल्लत और आखिरी कौम होने के नाते जो अल्लाह ताला ने इसमें रूल्स एंड रेगुलेशन इस्लामी शरीयत के बताए हैं वही अल्लाह के अप्रूव्ड है, जिसे प्यार से कहते हैं कंपनी अप्रूव्ड भी है सर। जब अल्लाह ने अप्रूव ये डायमेंशन किए हैं तो फिर हम इन डायमेंशन को फॉलो करके आप उन मकामात तक पहुंचते हो कि जो इन जमीन व आसमां कुर्सी और अर्श खुदी की जद में सारी खुदाई, वो किसी और डॉक्ट्रिन में आपको नहीं मिल पाई।
लेकिन जैसे कहा जाता है कि कोई क्यामत का कोई तयन नहीं कर सकता कि किस दिन क्या कब कैसे आएगी, लेकिन बहुत सारे बशारतें और दिए गए हैं, रास्ते दिखाए गए ये होगा तो क्यामत आएगी। अब जिस तरह के न्यू वर्ल्ड ऑर्डर वाले जो हैं वो उन्होंने कहा है कि जी 2012 में क्यामत आ जाएगी, यानी कि पोलर शिफ्ट हो जाएगा, प्लेनेट निबिरू जो है वो अर्थ के करीब से गुजरेगा, वहां पोल शिफ्ट होंगे, वायलेंट पोल शिफ्ट होगी, पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी। बहुत ज्यादा खुराफात, झूठ, अगेन ये जो जिस तरीके से ये कुफर प्रोपेगेट कर रहा है मुसलमान के लिए बेमानी है। मुसलमान कयामत का वक्त प्रेडिक्ट कर सकता है। अच्छा, किस तरह? हर मुसलमान के लिए कयामत का वक्त वो है जिस दिन उसकी मौत वाकई हो गई। जब मेरी मौत वाकई हो गई, अब मुझे इससे क्या फर्क पड़ता है कि कयामत ने कब आना, क्योंकि मेरा इम्तहान शुरू हो चुका, मेरा सजा व जजा का मामला शुरू हो जाएगा, कजाब हमारा मामला कब्र से शुरू हो जाता है। कयामत तो आ गई उसके लिए, इट स्टार्ट्स, उससे क्या फर्क पड़ता है कि आगे कितने अरसे के बाद जाए। सो वन शुड लिव विद द इंटेंशन एंड एटीट्यूड कि जो वक्त मेरे पास आज है मुझे नहीं मालूम कल मैं जिंदा रहूंगा नहीं रहूंगा। आई मस्ट यूज इट वाइजली, आई मस्ट यूज इट विद विजडम। मिस वक्त को, यानी वक्त एक कमोडिटी है जो मुसलमान बंदा है मोमिन के पास नहीं होता, ही इज इन अ हरी, वो एक अर्जेंसी में होता है हर वक्त इस तब्दीली को लाने के लिए। तो उसी लिहाज से फिर हम आगे बात करेंगे कि किस तरीके से उम्मत और मिल्लत को हमने इसको पाकिस्तान को आगे लेके जाना है। ये तो ऐसी बात होगी जिस तरह के हमारे जो प्रोड्यूसर्स हैं जो बैठे हुए हैं ये बहुत अच्छे मुसलमान हैं, बिकॉज दे डोंट रियली हैव एनी टाइम, हमें हमेशा कहते हैं कि ब्रेक आ गई, लेट्स टेक अ ब्रेक जी। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द सॉफ्ट रेवोल्यूशन, इट्स नॉट वेरी सॉफ्ट एनीमोर। एक ईमेल और थी, ये भी उस्मान जावेद साहब की तरफ से थी कि प्लीज इनलाइटन मी ऑन दिस, दैट इज दिस पॉसिबल फॉर दोज हु डू नॉट बिलीव इन इस्लाम और इकबाल्स डॉक्ट्रिन कुड अटेन सम लेवल ऑफ दीज काइंड ऑफ फोर्सेस। देखिए, इसमें कोई शुबा नहीं है, कुरान पाक खुद कहता है हमें कि अहले किताब में तुमको ऐसे बहुत से लोग मिलेंगे कि जो अल्लाह की इबादत करते हैं, अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, अल्लाह से ताल्लुक कायम करते हैं, और इंशाल्लाह उनका कोई ना कोई अपनी नेकी और अपनी खैर की वजह से उनको मकाम जरूर हासिल करेंगे। लेकिन खुद अल्लाह ही की जबान में हम बात कर रहे हैं, और इकबाल की डॉक्ट्रिन में जब हम बात करते हैं तो इकबाल भी इस बात को सीरियसली एम्फसाइज करते हैं कि जब आप खुदा का आखिरी पैगाम है दुनिया में, वो बंदे मोमिन को इकबाल ने खुदा का आखिरी पैगाम कहा है, हुजूर आखिरी नबी है, कुरान आखिरी किताब है, और अल्लाह ताला ने रदयत लकमल इस्लाम उद्दीना की जब बात की है कि मैंने इस्लाम तुम्हारे लिए सिलेक्ट कर दिया है, तो लेट्स नॉट आर्ग्यू विद गॉड। जब अल्लाह ने कह दिया है कि मैंने तो इस्लाम सिलेक्ट किया है तुम्हारे लिए एक आखिरी मजहब के तौर पर, क्योंकि जो चेन, द गोल्डन चेन ऑफ प्रॉफिट्स विच केप्ट ऑन कमिंग आदम अलैहिस्सलाम से सईदना ईसा अलैहिस्सलाम तक, वो तमाम एक एक टाइम पीरियड के लिए थे, अल्लाह की विजडम ये थी ना कि वो एक टाइम पीरियड के लिए भेजा गया, लेकिन कयामत तक के लिए अल्लाह ने उसके बाद जो आखिरी नबी का कॉन्सेप्ट दिया है कि अब मैं मजीद किसी नबी को नहीं भेजूंगा, ये उम्मत नबियों वाला काम करेगी, ये कुरान, इसीलिए 1400 साल हो गए इस कुरान के एक नुक्ते में कोई इसकी हिफाजत का इंतजाम खुद अल्लाह ने किया है ना। जब कुरान के बारे में अल्लाह कहता है कि नहनु नज़लना ज़िक्र नहनु लहू लहाफिज़ून, कि वही बात अल्लाह उम्मत, अल्लामा इकबाल उम्मत के बारे में कह रहे हैं कि हमने इसको नाजिल किया है और हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं, उम्मत को नाजिल किया है, कुरान को भी अल्लाह ने नाजिल किया है। हर इंसान जो है वो नबी का सफीर है, वो अपने उसको उसी डॉक्ट्रिन को आगे लेके चले, और इस आइडियोलॉजी की हिफाजत की जिम्मेदारी अल्लाह ने ली है और अल्लाह इस पर राजी है, अल्लाह इसको एक्सेप्ट करता है, क्योंकि यही बात इकबाल कह रहे हैं। देखिए, दिस इज एग्जैक्टली व्हाट ही इज सेइंग, क्योंकि हम अल्लाह की तौहीद के दलील हैं, हमसे मतलब उम्मत मुस्लिमा, अल्लाह की तौहीद की दलील भी हमें और अल्लाह के राजदार भी हमें, लिहाजा इफ यू वांट एनीथिंग, जिसको प्यार से कहते हैं कम टू अस, क्योंकि ये अल्लाह की मर्जी है, ये मेरी जाती राय नहीं है, इट इज नॉट एरोगेंस बट दिस इज द डिवाइन विल, अल्लाह ने फैसला अब यह कर दिया कि रब इस पर राजी है, और अल्लाह ने यह फैसला कर दिया कि अल्लाह इस उम्मत पर राजी है, अल्लाह ने फैसला कर दिया अल्लाह इस पाकिस्तान पर राजी है, ये पाकिस्तान भी अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी, अल्लाह के राजों में से एक राज है। और फिर जब इंसान को यह नजर आता है कि उसके पास वक्त नहीं है, वक्त बहुत थोड़ा है उसके पास, क्योंकि उसकी कयामत उस दिन आ जाएगी जिस दिन उसकी मौत वाके हो गई, तो मुझे क्या पता और आपको क्या पता, तो फिर ये जिंदगी के जो लम्हात चंद हमें दिए गए हैं, मौत का डर और ये, इसमें इंसान जुनूनी हो जाता है, आशिक हो जाता है, यानी अल्लाह ताला के दीन के साथ इश्क का मामला जो शुरू होता है। देखिए, ये आम एक जिसे कहते हैं कि कूल जिंदगी फिर आप नहीं गुजार सकते, फिर आप एक जुनूनी जिंदगी गुजारते हो, आशिक की जिंदगी गुजारते हो, फिर आप वो जिंदगी गुजारते हो जिसमें एक लम्हा आराम नहीं होता, अपनी जिंदगी, अपनी जान, अपनी माल, मेरी जिंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी, मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाजी। अल्लाह के बंदों के खूबसूरत एट्रीब्यूट इकबाल ये बताते हैं कि तेरे आजाद बंदों की न ये दुनिया न वो दुनिया, यहां मरने की पाबंदी, वहां जीने की पाबंदी। तो वो बेचैनी जो तूफान मचा होता है उसकी,
उसका सफीना तूफानी होता है, नरम दमे गुफ्तगू, गरम जमे गरम दमे जुफ्तगू, रज्म हो या बज्म हो, पाक दिल पाक बाज। कहते हैं इकबाल कि दुनिया की जिंदगी का कानून इश्क है, अनासर आलम की बहम पेवस्तगी इश्क से बम रही। दुनिया की जिंदगी में लॉ जो भी तब्दीली लाए कानून से ही आती है। तब्दीली के लिए अगर तुम चाहते हो सीरियसली कि तब्दीली लाओ, कायनात में तुम देखो, देखिए दुनिया के अनासिर की वाबस्तगी भी इश्क से। एक बात गैर मामूली नोट करो अली, यहां पे अल्लाह का इतना बड़ा राज खुल जाता है। आप एक एटम को भी लें तो उस एटम में भी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है, द टू फोर्सेस दैट आर पुलिंग टुवर्ड्स ईच अदर। इसको इकबाल इश्क का नाम देते हैं, ये जुनून के दोनों मिलकर एक टोटैलिटी मुकम्मल होती है। यही चीज, यही इश्क कायनात के हर एलिमेंट में नजर आता है आपको, आपको यही इश्क मुस्तफाई और किब्रियाई में नजर आता है। यही वो नूर है, यही वो वजूद है जो इंसान के वजूद में अल्लाह ने नूर रखा हुआ है, कि इंसान के वजूद की तकमील उस वक्त होती है कि जब आप रुजू करें अपने रब की तरफ, बिकॉज योर टोटैलिटी इज देयर। कहीं मुस्तफाई है, कहीं किब्रियाई है, इनका मिलाप। आप खाना काबा में जाते हैं, किब्रिया आपको, आप अजीब कैफियत फील करते हैं। आप जब तक खाना काबा से कनेक्ट ना करें, आप मस्जिद नबी जाते हैं, आप वहां कनेक्ट करते हैं तो अपने आप को मुकम्मल, लेकिन मस्जिद नबी में मुस्तफाई है चाहिए। आप किसी एक डायमेंशन पर राजी नहीं हो सकते। आप ये नहीं कह सकते मुझे काबा चाहिए और मस्जिद नबी मैं नहीं जाऊंगा, और सिर्फ मैं मस्जिद नबी जाऊंगा लेकिन मैं अल्लाह ताला को तर्क कर दूंगा। टोटैलिटी इज बोथ, और ये टोटैलिटी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के लेवल से शुरू हो जाती है। और ये राज अगर इंसान को समझ में आता है इकबाल का, हकीकत एक है हर चीज की, अगर जर्रे का दिल चीरे। इकबाल ने एक शेर बड़ा खूबसूरत कहा, लहू खुर्शीद का टपके अगर जर्रे का दिल चीरे। हकीकत एक है हर चीज की, नूरी हो के नारी हो, हर चीज की रियालिटी एक है। लहू खुर्शीद का टपके अगर जर्रे का दिल चीरे, सूरज का, यानी फैसिनेटिंग कि चाहे कोई चीज नूरी हो या नारी हो, आग से बनी हो या नूर से बनी भी हो, उसकी रियलिटी एक ही है। और अगर तुम एक जर्रे को काटोगे तो सूरज का दिल जख्मी हो जाएगा। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो जो लम्हा फिक्री है, मुझे जब आपकी बातें सुन के जो होता है कि जो एक वेस्टर्नाइज्ड एक हमारी, मैं अपनी जनरेशन की बात करना चाहता हूँ, बार बार उसी को लेके आता हूँ क्योंकि हम लोग उन्हीं को फोकस कर रहे हैं, उन लोगों को, क्योंकि जो वी वर ऑलमोस्ट ब्लाइंडेड बाय द सिविलाइजेशन, द वेस्टर्न सिविलाइजेशन, द रैजल द डैजल, कपड़े ये और बाल वो और इस तरह और जीन वो और फलानी गाड़ी ये वो, उससे जो बहुत सारे लोग जो उससे तंग भी आ चुके हैं, वो अपने आप को इतना कमजोर समझते हैं। जो ये एक एक मर्द मोमिन की जो आप बात करते हैं बार बार, शाहीन की बात करते हैं हम, इकबाल की बात करते हैं, जो कि मुजाहिद लोग, आप जैसे लोग हैं जो कि टू द पॉइंट, यानी कि जर्रे 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 का भी सीना फाड़ते हैं तो वही चीज नजर आती है, चाहे सूरज का सीना फाड़े वही नजर आएगा। तो ये जो लोग हैं जिनके अंदर सकत ही नहीं है, जिनके अंदर ताकत ही नहीं है सच्चाई को देखने की, उनके बारे में दिस इज द रोल ऑफ द ग्रेट लीडरशिप। कि माशरे में हर इंसान एक जैसा तो नहीं होता, बिल्कुल। ग्रेट लीडरशिप का काम यही है कि माशरे के कमजोर तरीन तबके से लेकर ताकत तक, इस बात यू टर्न का ताल्लुक है जिंदगियों में। आप हजूर के साथ साहबा को देखो, सी द ग्रेटेस्ट पीपल ऑन अर्थ, उन लोगों ने जिंदगी के बीच में आके यू टर्न लिए। आधी जिंदगी तो कुफर में गुजरी है। हजरत अबू बकर सिद्दीक कम से कम तकरीबन 40 बरस उम्र थी उनकी कि जब उन्होंने हजूर पे ईमान लेकर आए। सईदना उमर, सईदना उस्मान, इन सारे बुजुर्गों ने आधी आधी जिंदगियां गुजार ली। तो यार किसी ने उससे पहले वाली जिंदगी का जिक्र उनसे नहीं किया कि पहले आपने कुफर में गुजारी थी, पहले आप जाहिलियत में थे। उनकी जिंदगियां शुरू उस वक्त होती हैं जब वो ईमान लेकर आते हैं। ठीक। और आज के दौर में भी हम जिस माहौल और जिस माशरे में रह रहे हैं, इंसान को हकीकत या तो इसलिए नजर नहीं आती कि वो ब्लाइंड हो या डेजल हो, रोशनी बहुत ज्यादा हो। बात वो आपकी वाली बात है कि उम्मत से कनेक्टेड नहीं है। दिस सबसे बड़ी मेन प्रॉब्लम है कि अपनी उम्मत से कनेक्टेड नहीं। कोई मौलवी को देखते हैं आपके जैसे बंदे, मैं आपको जानता हूं कि आप कोई मौलाना ये तो नहीं है, लेकिन जब वो लोग आपके आउटर पर्सपेक्टिव उनका यही है कि यार ये क्या फंडामेंटल बातें कर रहे हो, अग्रेसिव के इंडिया को कर देंगे, ये कर देंगे, इसराइल को पछाड़ देंगे और अमेरिका को लटा देंगे, तो ये तो बड़ी यार इस तरह तो नहीं करना हमें, हमें तो लड़ना नहीं इनसे, हम तो पीस लविंग लोग हैं। उनका भाई पीस तब, अमन तब बिकता है जब अगला बंदा भी आपके साथ अमन के साथ सलूक कर रहा हो। जब आपके ऊपर खुदकश हमले और जेनोसाइड आपकी हो रही है पूरी दुनिया की, और आप कहेंगे नहीं मैं अमन में गुजारा करूंगा, ये कैसे मुमकिन है? दिस इज व्हाट द पॉइंट इज, यू सी, कि हमको सिखाया ये गया है, हमको ये सिखाया जा रहा है, वो जो दीन हमारा शाहीनों और दलेरों और शेरों का दीन जो था,
और अमन का भी, और अमन का भी, लेकिन अमन विद एन ऑनरेबल कोएग्जिस्टेंस, एग्जैक्टली, अमन विद नॉट विद ह्यूमिलिएशन एंड इंसल्ट. हमें जब, हमें तो पैगाम यह सिखाया गया था कि शेर की एक दिन की जिंदगी गिदड़ की 100 साल की जिंदगी से ज्यादा कीमती होती है. वी लिव विद ऑनर, वी डाई विद डिग्निटी, विद ह्यूमिलिएशन और इंसल्ट के साथ हम नहीं रहेंगे. ह्यूमिलिएशन का तो ये पॉइंट आ गया, पिशावर के अंदर ब्लैक वाटर मर्सनरीज जो है वो खुलेआम घूम रहे हैं, बंदूकें लोगों पे पॉइंट करते हैं, ये कितनी देर तक लोग इनको बर्दाश्त करेंगे. आखिरकार वो गैरतमंद लोग हुए ना कि यार इनकी ऐसी की तैसी, हम इनको देख लेते हैं, ये एक फॉरेन कंपनी के दरिंदे मर्सनरीज कातिल ये आके हमारे मुल्क में लोगों को डराते हैं और वहां पर फौज ये बात करते. मतलब ये आखिर में कितनी देर तक आप बर्दाश्त करेंगे? डॉक्टर आफिया, हमारी एक बेटी को इन्होंने अमेरिका में रखा हुआ है, किस जुर्म पे रखा? कोई जुर्म नहीं है, कोई जुर्म नहीं है. क्यों वापस लेके ना? हुक्मरान बेगैरत हो गए, पूरे इस्लामी मुमलिकत के एक बेटी को वापस नहीं ला सकते. और फिर अब हम खबरें सुन रहे हैं कि इस्लामाबाद के एम्बेसी में 1000 यूएस मरीन पोस्ट किए जाएंगे, पूरा ब्रिगेड उनका रखा जाएगा. किस वास्ते? इस्लामाबाद को टेक ओवर करने के लिए. ये कौन इजाजत दे रहा है ये सारे कामों की? वक्त करीब है, कौम सवाल करेगी इनसे. हम अब ज्यादा जिल्लत में जिंदगी नहीं गुजारेंगे. द टाइम इज क्लोज फॉर देम. जेनोसाइड, जेनोसाइड कर दें और आप कहेंगे आप कुछ ना बोले आगे से, आप अमन समाज. फिर वही बात कि इकबाल जिस बात को एम्फोसाइज कर रहे हैं कि देखिए इश्क हमारे दिल के सोच से जिंदा है, और अगर हम ना रहे, वो कहते हैं हम ठीक है. इकबाल ने बड़ा खूबसूरत फरमाया कि आज हम अफसरदा लिखते हैं, ये ठीक है कि आज हम अफसरदा हैं, आज हमें दुख है, वही बातें जो हम कर रहे हैं. लेकिन एक बात ध्यान में रखना, अगर हम ना रहे तो अल्लाह का दीन भी नहीं रहेगा. ज्यादा बेफिक्र हो जाओ, हम रहेंगे क्योंकि अल्लाह का दीन भी रहेगा. तुम उस दीन से वाबस्ता हो जाओ, हमेशा रहोगे. दिस इज द मोस्ट ब्यूटिफुल इनकरेजिंग मैसेज दैट इकबाल गिव्स एज अ नेशन, एज अ मिल्लत, एज अ उम्मत, एंड वी ओन इट, वी एक्सेप्ट इट. सबसे बड़ी बात है कि जो लोग जो वेस्टर्नाइज्ड ड्रेजल डेजल के, दे नीड टू कनेक्ट विद देयर ओन उम्मत. ओन अप, हमें ओन अप करना पड़ेगा ना, हम कौन लोग हैं. हमें अपनी 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 सोसाइटी, अपनी तारीख, अपनी उम्मत की, जो कि मैं वही कल किसी से बात करता हूं, आपने बड़ी खूबसूरत बात की पिछले शो के अंदर कि अंदलुसिया पे हमने हुकूमत की, स्पेन तक हम गए. कोई ये नहीं कहता कि मुस्लिम वो तो जी स्पेनिश थे या वो अरब थे या वो, जो आपने बात की वो एक हमारी हिस्ट्री का पार्ट है, एंड विच विल ऑलवेज रिमेन विद अस, एंड इंशाल्लाह और हमारे आने वाले वक्त. अगर हम उम्मत और मिल्लत और हुजूर को ऑन नहीं करेंगे तो वो हमें कैसे ऑन करेंगे? बिल्कुल, बिल्कुल. पहले हम तो ऑन करें ना. बिल्कुल. हम प्राइड फील करें तो वो हमें प्राइड फील करेंगे. माशाल्लाह, माशाल्लाह. विद दिस वेरी नॉट अ हीटेड बट वेरी लिबरेटिंग, this is a very liberating thought that Iqbal has presented to us, with this very liberating thought, and I feel liberated and ready for a revolution. Inshallah taala ye revolution jari rahega, hum rahe ya na rahe, inshallah ummat qaim rahegi aur ye revolution bhi qaim rahega. Aapka bahut bahut shukriya Iqbal ka Pakistan dekhne ka. Agle hafte fir mulaqat hogi.